विधानसभा उपचुनाव में काउंटिंग जारी है। चौथे राउंड में भी इंडिया प्रत्याशी को बढ़त मिली है। करीब 670 वोटों के साथ जेएमएम प्रत्याशी आगे बढ़ती नजर आ रही है। इंडिया प्रत्याशी बेबी देवी को मिले 14,661 वोट। एनडीए प्रत्याशी यशोदा महतो को मिले 13,951 वोट। यानी कि फिलहाल अगर हम बात करें तो इंडिया के प्रत्याशी बेबी देवी आगे चल रही हैं। चौथे राउंड की गिनती हो चुकी है। बेबी देवी लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि एनडीए प्रत्याशी यशोदा महतो फिलहाल उनके भी पक्ष में जब जब पर्ची खुल रही है तो फैसले आ रहे हैं, लेकिन अगर हम फिलहाल ताज़ा अपडेट की बात करें तो बेबी देवी लगातार आगे चल रही हैं 1,600 वोट से। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंदन जुड़ गए। चंदन, कभी बेबी देवी तो कभी यशोदा महतो आगे चल रही हैं, लेकिन फिलहाल अगर चौथे राउंड की बात कर लें तो बेबी देवी लगातार बढ़त बनाती नजर आ रही हैं, क्या अपडेट? बिल्कुल, पहले राउंड में आजसू प्रत्याशी ने बढ़त बनाई थी, लेकिन दूसरे तीसरे और चौथे राउंड में जेएमएम की बढ़त बरकरार है। लेकिन चौथे राउंड में ये बढ़त, तीसरे राउंड में लगभग 2000 से ज्यादा की बढ़त थी, वो चौथे राउंड में मात्र 670 वोट के बढ़त पे फिलहाल आ गया है। यानी कि कह सकते हैं कि चौथे राउंड में जेएमएम की बढ़त तो है, जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी की बढ़त है, लेकिन वो 670 वोट की बढ़त है। तो अभी और कई राउंड की गिनती, कुल 24 राउंड की गिनती होनी है। 16 टेबल पे ये गिनती चल रही है और पांचवें राउंड के भी नतीजे कुछ देर में आ जाएंगे।